एक छोटे से गांव में ब्राह्मण और उनकी पत्नी बड़े आराम से अपने दिन व्यतीत करते थे। एक दिन ब्राह्मण नहाने के लिए गए नदी किनारे। वहां पे उनको एक न्योले का बच्चा मिला। उसकी माँ का कोई अता पता नहीं था। ब्राह्मण को उस न्योले के बच्चे के ऊपर दया आ गई और वो उस न्योले के बच्चे को घर ले आए। घर पर ब्राह्मण ने बहुत क्रोध में कि ये क्या, तुम इस न्योले के बच्चे को लेके चले आए? जब ये बच्चा बड़ा होगा, ना जाने हमारा जब बच्चा हो तो उसे मार डाले तो? तुम्हें नहीं पता कि ये न्योला कितना खतरनाक होता है? ब्राह्मण ने कहा कि यदि हम इसे इतने छोटे से पालेंगे, बड़ा करेंगे, तो वो भला हमारा नुकसान क्यों करेगा? तुम तो बस जगत की भलाई करते रहो, तुम घर के बारे में कुछ ना सोचो, ब्राह्मण की पत्नी ने कहा। पति की आज्ञा का पालन करने के लिए ब्राह्मण की पत्नी हर रोज उस बच्चे को खिलाती पिलाती। फिर थोड़े समय के बाद उस परिवार में एक बच्चा हुआ। ब्राह्मण की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। ब्राह्मण की पत्नी जब भी पानी भरने के लिए जाती तो उसके मन में एक डर सताता रहता, कहीं उस न्योले के बच्चे ने मेरे बच्चे को खा लिया तो, मेरे बच्चे का कोई नुकसान कर दिया तो। इसी डर के साथ वो जाती और जल्दी से पानी भर के वो वापस आते। न्योला बड़ा हो चुका था और उस बच्चे के साथ बहुत खेलता कूदता रहता था। बच्चा भी उस न्योले के साथ एक भाई की तरह व्यवहार करता था। दोनों एक साथ सोते, उठते, बैठते, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रहते। जैसे जैसे न्योला बड़ा होता, एक एक दिन बीतता जाता, ब्राह्मण की पत्नी का डर उतना ही बड़ा होता जाता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी जल लाने के लिए गई। जैसे ही वो घर पर आई, उसने देखा न्योले के चेहरे के ऊपर पूरा खून लगा हुआ है। उसे लगा कि मेरा जो अनुमान था वो सत्य हो गया, ये ब्राह्मण मेरी बात नहीं मानते और देखो आज मेरे बच्चे का नुकसान हो ही गया ना। उसका क्रोध इतना ज्यादा आसमान छू गया कि उसने उस न्योले को पत्थर से पीट पीट कर मार डाला और फिर जल्दी से अपने बच्चे को देखने के लिए घर के भीतर गई। उसे पता था उसे अपना बच्चा मरा हुआ ही मिलेगा। जैसे वो घर के अंदर गई, उसने देखा कि उसका बच्चा आराम से बिस्तर के ऊपर बैठ के खेल रहा है। उसे आश्चर्य हुआ और सामने ही उसे दिखा कि एक सांप मरा पड़ा है। जरा भी उसे देर नहीं लगी ये समझते हुए कि वो सांप जो है उसके बच्चे का नुकसान पहुंचाने जा रहा था और ये न्योला ही है जो उसके बच्चे को एक बड़े भाई की तरह बचाया। उसे जीवन भर गिल्ट महसूस होता रहा, कुंठा महसूस होती रही कि उसने बिना सोचे समझे ऐसा क्यों किया। उसका बच्चा अपने दोस्त के गम में उदास रहने लगा, दुखी रहने लगा और ये पछतावा वो ब्राह्मण की पत्नी के मन से कभी भी नहीं गया। इस कहानी से दो महत्वपूर्ण लाइफ से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट सीख मिलती है। पहली चीज, डैमेज ऑफ रिएक्शन। जितना हम रिएक्ट करते हैं उतना ही हमारा जीवन जो है वो कठिन बनता जाता है। कई बार ये रिएक्शन जो है वो हमारा पैटर्न बनता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिना सोच समझ कर गुस्सा कर देना किसी के ऊपर, उसके बाद सॉरी कहना, पछताना। कितनी बार, कितना फ्रीक्वेंटली आप सॉरी कहते हैं, इसका मतलब है आप ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जिस समय हमारा क्रोध होता है, इमोशंस बहुत हाई लेवल के स्टेट में होता है, तो हम एमिग्डाला यानी कि इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। उस समय हमारा जो कॉग्निटिव पार्ट ऑफ ब्रेन है यानी कि सोचने की जो क्षमता होती है वो दब जाती है और जिसके कारण हम केवल एमिग्डाला के थ्रू बिहेव करते हैं। कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन को सरपास करके हम बिहेव करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जब भी गुस्से की स्थिति में हो, बहुत हाई लेवल ऑफ इमोशंस की स्थिति में हो, चाहे वो खुशी क्यों ना हो, चाहे वो गम क्यों ना हो, चाहे वो गुस्सा क्यों ना हो, जब हाई लेवल ऑफ इमोशंस रहे तो हमारे किसी भी एक्शन को हम थोड़ा पोस्टपोन करें कि अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा,
एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद ही मैं इसके ऊपर प्रतिक्रिया दूंगा या दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा पैटर्न पॉजिटिव बनता जाएगा, हमारा हैबिट पॉजिटिव बनता जाएगा, हम ना लोगों को हर्ट करेंगे ना हम पछतावे में अपने जीवन को जिएंगे। दूसरी लाइफ और मैनेजमेंट रिलेटेड सीख, इससे ये मिलता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट होते हैं, इसलिए हमारे बिलीफ सिस्टम को बार बार चेक करना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण की पत्नी को क्या लग रहा था, ब्राह्मण की पत्नी को बस यही लग रहा था न्योला जो है उसके परिवार के लिए खतरा बन सकता है, उसके बच्चे के लिए खतरा बन सकता है। और जब वो इस बिलीफ सिस्टम से ऑपरेट करती थी तो जब वो पानी लेने जाती थी तो उसे डर सताता रहता था। तो हमारा जो बिलीव सिस्टम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम किस तरह का लाइफ जीते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर उसका बिलीव सिस्टम उस न्योले की तरफ पॉजिटिव रहता तो उस एंटायर सिचुएशन को पहले वो देखती, जांचती, परखती, उसके बाद वो कोई एक्शन लेती। लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम में ये था कि न्योला खतरनाक होता है, मेरे बच्चे के लिए खतरनाक है, तो मेरे बच्चे को न्योले ने ही मारा होगा। इसी प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति भी मान्यताएं रखते जाते, जैसे ये तो इसका तो दिमाग ही काम नहीं करता, इसे कोई भी काम तो ये तो गलती करेगा ही करेगा। और हमारा ब्रेन ऐसा होता है, जिस तरह से हमारी मान्यताएं होती है, जिस तरह से हमारी बिलीफ सिस्टम होता है, हम उसी अनुसार एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं। हम ब्रेन में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में जाते हैं और उन उन चीज़ों को उठा कर ले आते हैं जो उस बिलीव सिस्टम को सपोर्ट करता है, और हम कहते हैं देखा ना मैंने कहा था ना, क्योंकि आपने वो माना इसीलिए आपके साथ वैसा ही घटित होता जाएगा। इसलिए अगर आप खुशी वाली ज़िंदगी चाहते हैं तो खुशी से भरा हुआ बिलीव सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है, और आप देखेंगे आपके एक्सपीरियंसेस भी खुशी वाले बनते जाएंगे। तो इस दो लर्निंग को ज़रूर याद रखिए, नेवर रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, टेक योर ओन टाइम टू रिस्पॉन्ड। सेकंड, इवैल्यूएट योर बिलीफ सिस्टम, क्रिएट स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, और जो अनहेल्पफुल बिलीफ है उसको फेंकते जाइए, स्टार्ट क्रिएटिंग हेल्पफुल बिलीफ सिस्टम। थैंक यू सो मच।